वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने एवन एजुकेशनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे, यानी आपने अगर एक्सेल से मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आज मैं आपको एक्स से छुटकारा दिलवा के आपको सिर्फ ट्रिक सिखाऊंगा और जिससे आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बढ़े दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि राम और श्याम की आयु में 4:3 का अनुपात है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना होगा। तो राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया गया है तो राम को R से इंडिकेट कीजिए, श्याम को S से कीजिए। इनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:3 है, क्लियर है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष दिया गया है, यानी आपका इनका योग जो है वो 28 वर्ष है। यहाँ से देखिएगा तो अब इनका अनुपातिक योग देख लेते हैं, 4 और 3 आपका 7, 7 बराबर कह रहा क्वेश्चन में 28 दिया गया है तो 7 बराबर 28 तो 1 बराबर 7 चौक 28 4 हो गया। अब इस 4 का क्या करना है दोस्तों, 4 की गुणा कीजिए, 4 में 4 चौक 16 आपका हो गया, लिख लीजिए यहाँ पे। और इस 4 की 3 से कीजिए, 4 3 12 हो गया आपका, लिख लीजिए। अब कह रहा है ये वर्तमान आयु का अनुपात निकला है दोस्तों, अब 4 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा, 4 4 इसमें जोड़ दीजिए क्योंकि 4 वर्ष बाद तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 16 4 20 और 12 4 16 तो 20:16 आपका 16 हो गया, क्लियर है, 20:16 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 4 5 6 20 तो 4 वर्ष बाद अनुपात कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। शानदार तरीके से बढ़े। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका और है एज का, लगातार आपको एज के क्वेश्चन सॉल्व करने, सारी ट्रिक्स आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएंगी। हर रात दोस्तों 8 बजे आपके A1 एजुकेशनल अब स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैथ के वीडियो और 3 दिन आपके मैथ के वीडियो रहते हैं, मंडे और ट्यूसडे वेंसडे, और बाकी डेज आपके EVS यानी पर्यावरण के रहते हैं। तो अगर आप सुपर टेट या टेट सीटेट आदि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका अशोक तथा सुरेश की आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो अशोक और सुरेश को क्या करेंगे, A से डिनोट कर लेते हैं, अशोक और सुरेश हो गया। इनकी आयु का अनुपात 4:3 दिया गया, ठीक है, लिख लिया। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगी ना, तो वर्तमान में कितनी है तो 6 माइनस कर दीजिए 20 वर्ष है, किसकी, अशोक की 20 वर्ष है, लेकिन अनुपात में हमें 4 दिया है तो 4 क्या है, 4 आपका 4 बराबर 20 दिया है तो 1 बराबर दोस्तों भाग कर देंगे, 4 5 6 20 1 बराबर 5 आ जाएगा। इस 5 की क्या करनी है दोस्तों, आपको आपसे सुरेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो आपको 5 की गुणा सुरेश वाली आयु से अनुपात से कर देना है, 5 3 15 और 15 वर्ष यानी 15 ईयर आपका आंसर आपके सामने, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो पिता पुत्र यानी फादर और आपका सन हो गया, इनकी आयु का अनुपात 4:1 है, लिख लीजिए 4:1 हो गया। इनकी आयु का गुणनफल 196 है, यानी इनका गुणनफल क्या हो गया दोस्तों, एक वक्त के लिए हम लोग वाई मान लेते हैं, वाई मान लिया मैंने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपका ट्रिक से ही सॉल्व करूंगा। तो इनके जो आपका जो अनुपातिक अनुपात दिए हैं इनका गुणनफल कीजिए, यानी 4y गुणे आप 1y करेंगे बराबर आपका 196 दिया है। देखिएगा अनुपातों का गुणनफल कर लीजिए क्योंकि ये उनकी आयु ही है ना अनुपात में, और यहाँ से गुणनफल 196 दिया है, 4 एकम 4 y² करेंगे हम लोग तो 196 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 कितना कटेगा यहाँ पे आएगा 49, 4 चौक 16 4 9 36 y² = 49 आ जाएगा, y² = 49 तो y बराबर दोस्तों कितना, 7 आ गया।
अब आपको क्या करना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यानी वर्तमान अनुपात कितना है, 4:1 है। यहाँ से 7 वर्ष इसमें 7 से कीजिए गुणा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा और इधर 7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 5-5 जोड़ दीजिए, इस वाई की गुणा हमने इसमें की है और इसमें की है 7 की गुणा, तो आपका 28 और 5 जोड़िए और इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, तो 7×5=12 और 28×5=33, तो 12:33 आपका 33:12 हो गया। इससे काहे से काटे, इससे काटे 3 से, 3×3, 3×3, 3×4=12, 11:4 आपका आंसर आपके सामने है। दोस्तों बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, सुरेश की उम्र रमेश की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। तो सुरेश तथा रमेश की, सुरेश की उम्र रमेश की उम्र की 2 गुनी है, यानी हम लोग सुरेश और आपका रमेश लिख लेते एस और आर, इनकी सुरेश की 2 गुनी है यानी 2 है, इसे 1 मान लेते, या दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष हो यानी 2 और 1 जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, 3 बराबर आपको 24 दिया है, तो 1 बराबर 3×8=24, तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी, इस 8 को दोस्तों इसमें गुणा कर देंगे 2 में, 8×2=16 यानी 16 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और जहां भी दिक्कत आपको लगे कमेंट बॉक्स में, प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक्टिव हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या क्वेश्चन है, 12 वर्ष पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो 12 वर्ष पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2:3 दिया, तो यहाँ से 12 वर्ष आपका पहले सॉल्व करते हैं, 12 वर्ष पहले कितना है अनुपात, 2:3 है राम और श्याम की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए इनके आयु में जो है गैप कितना है, 3, 3, 6 यानी 3 वर्ष इसमें देख लीजिए अंतर, और इसमें भी 2 और 5 यानी 3 का अंतर है, 3 बराबर आपका 12 दिया गया है, 12 वर्ष पहले यानी इस अंतर से आपको 12 को भाग करना, 3×4=12 4 आ गया। अब इस 4 का क्या करना है, यहाँ से 4 को इससे गुणा कीजिए 5 से, तो आपका 20 हो जाएगा, और 4 को 6 से करेंगे, वर्तमान आयु से करना है तो 4 को 6 से करेंगे तो 4×6=24 हो जाएगा, और 20×24 कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 44 यानी 44 ईयर आपका सही आंसर। बढ़ेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, राजेश की आयु 40 वर्ष और रमेश की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, अगर आप एक्स मान के लगाएंगे तो आपको देर लगेगी, आपको करना क्या है, सीधे 40 रखिए, ये आपकी राजेश की उम्र है, और यहाँ पे रमेश की उम्र आपकी, रमेश लिख लीजिए 60 है, क्लियर है। अब यहाँ से मान लीजिए हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, 10 वर्ष पहले मान लेते हैं हम लोग, 10 माइनस कीजिए इसमें से तो कितना बचा, 30 बचा, इसमें से भी 10 माइनस कीजिए तो यहाँ पे 50 बचा, यहाँ से 0, 0 कैंसिल कर दीजिए तो आपका 3:5 आ गया, तो यानी कि आपका 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी एज की ट्रिक बताई है, अगले वीडियो में जय हिंद।